तो मैं आप सभी लोगों को एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये देखो इस पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम बग रिपोर्टेड, वी रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। भाई इस टॉपिक पे किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई थी, जो भाई किसी ने नहीं किया। अगर वो भी तुमने नहीं किया तो तुमने क्या किया? इसका मतलब ये भाई कि आप लोग को वो करना चाहिए जो भाई किसी ने भी नहीं किया। भाई यूट्यूब पर भी वही सेम चीज़ लागू होती है। बस जिस भी टॉपिक पर किसी ने वीडियो अपलोड नहीं करी है, आपको उसी टॉपिक की वीडियो अपलोड करनी चाहिए, तभी आपको चैनल और जल्दी ग्रो पाएगा। क्योंकि भाई ऑडियंस को वाली वीडियो चाहिए, पर वो वीडियो को अपलोड नहीं करी। अगर आप वो करोगे तो आप वीडियो पर व्यूज़ तो आएंगे ही ना। ये बस सिर्फ यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, ये पूरे भाई हर जगह ये चीज़ लागू होती है। तो भाई आपको ये एक चीज़ में सिखाना चाहता था। अब भाई ये सब छोड़ो, अपन टॉपिक से भटक रहे हैं, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो भाई देखो ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये क्यों लिखा हुआ आता है, इसका क्या रीज़न है, मैं आपको सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। मैं आपको पहले से हटा देता हूं और बता दूं कि भाई ये जो सिचुएशन है ये कब क्रिएट होती है, ऐसा लिखा कब आता है। तो पहले अपन इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं। इंस्टाग्राम को ओपन किया, अपन को भाई प्रोफाइल पे आ जाना है। प्रोफाइल पे आने के बाद देखो राइट साइड टॉप पे थी लाइन, देखिए इस पे क्लिक करो, सेटिंग्स पे आ जाते हैं। सेटिंग्स पे आओगे ना तो अपन हेल्प पे क्लिक करके रिपोर्ट अ प्रॉब्लम करते हैं ना, फिर से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। देखो भाई अपन को कोई भी प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना है, कोई बग आ रहा है, कुछ भी आ, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हैं। तो मैंने एग्जांपल कुछ भी लिख दिया, ठीक है। जब फिर आप गैलरी पे क्लिक करोगे, कोई भी फोटो को लगा दोगे। देखो भाई अगर आपको कोई भी बग से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही, चाहे वो रिप्लाई ऑप्शन आपको ना आ रहा हो, वीडियो कॉल का ऑप्शन ना आ रहा हो, आपको कोई भी परेशानी आ रही है, आपको इंस्टाग्राम में ग्लिचेज आ रहे हैं ऑटोमेटिकली, भाई उसमें बहुत सारे एरर्स आपको लिखे हुए आ रहे हैं, आपको कोई भी एरर आ रहा है, तो मैंने भाई ज़्यादातर एरर्स पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो जैसे सबमिट पे अपन क्लिक करते हैं, यहाँ पे पहले लिखा हुआ है भाई थैंक यू, योर फीडबैक हेल्प्स मेक इंस्टाग्राम बेटर फॉर एवरीवन, वांट टू रिपोर्ट फ्यूचर प्रॉब्लम्स बाय शेकिंग योर फोन। तो भाई ये तो यही कह रहा है कि भाई यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई धन्यवाद इंस्टाग्राम को अपने प्रॉब्लम को बताने के लिए, जिससे वो जो इंस्टाग्राम है वो सभी लोग के लिए ढंग से वर्क करे। ये सब भाई बताया हुआ कि अगर आपको और भी प्रॉब्लम को, फ्यूचर की प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना तो आप शेक करके फोन को कर सकते हो, अगर आपको टर्न ऑन शेक करना तो कर सकते हो, वरना नहीं करना। और मेन मुद्दा ये आता है कि जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्यों है, इसका सिंपल से ये मतलब कि भाई जैसे आपको कोई बग को रिपोर्ट करना था, कोई आपको प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना था, तो मैं इंस्टाग्राम को भाई रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पर क्लिक करके उसे सबमिट किया, तो क्या हुआ भाई, इसलिए भाई वो ये दिखा रहा है इंस्टाग्राम बग रिपोर्टेड, वी रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक। भाई बग रिपोर्ट ने मतलब कि भाई आपकी जो समस्या थी वो अपने इंस्टाग्राम को बता दिए, तो आपकी जो समस्या है वो इंस्टाग्राम तक पहुँच चुकी है। इसका मतलब यह लिखा रहा है वी रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, मतलब भाई आपने जो हमें फीडबैक दिया, मतलब कि भाई आपकी जो परेशानी आ रही है उसके बारे में आपने हमें बताया है, एक री इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ भी कह सकते हो भाई, देखो यार आपको इतने में समझ में आ जाएगा। तो भाई मतलब ये कि आपको जो परेशानी आ रही है वो आपने हमें बताई, तो हम आपके फीडबैक की भाई रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, बस यही सब है भाई। मतलब देखो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपकी जो परेशानी आ रही थी वो आप इंस्टाग्राम तक पहुँच चुकी है, अब वो रिपोर्ट हो चुकी है। मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि जैसे भाई इंस्टाग्राम ये कहना चाहता है कि हमारे सिस्टम में जो खराबी आ रही है वो अगर आप हमें फीडबैक करके बताओगे तो हम उसे भाई सही कर देंगे और लोगों की परेशानी ना आए। मतलब वो कब तक सॉल्व होगी, आपका बग कितना टाइम है, तो उसका भाई कम से कम आपको भाई तो 24 से लेकर 48 आवर्स तक का वेट करना पड़ेगा। और भाई ज़्यादा लोग की जो प्रॉब्लम्स है ना वो 10 घंटे में भाई सॉल्व हो जाती हैं। और भाई अगर मैक्सिमम माने तो भाई 3 दिन मान लो, 3 दिन मान लो, फिर 1 वीक मान लो भाई, जितना मैक्सिमम रहता है। अगर आपकी फिर भी कोई भी आपको बग वग आप रिपोर्ट कर रहे हो वो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भाई, आप मेरे से पूछ सकते हो भाई, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे यही उम्मीद है कि आप लोग को जो भी परेशानी आ रही थी, आप लोग कन्फ्यूज जो थे कि भाई ऐसा क्यों लिखा हुआ आता है, इसका क्या रीज़न है, वो आप सभी लोग को पता चल गया हो। तो भाई ये इसलिए लिखा हुआ आता है कि आपकी जो बग है रिपोर्ट हो चुका है। आई होप आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से राइट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में।